Hi friend, my name is Vikas Chakravarti. In this session, I am going to tell you how to solve the forfeiture and reissue sale created problem. Okay, अब हम लोग एक problem को लेकर चलते हैं कि कैसे problem को solve करते हैं। इस session में हम लोग जो समझाएंगे कि company कुछ share forfeit करती है और किस हिसाब से उसको reissue करती है, तो उसके लिए कौन कौन सी entities होती है, उसके लिए एक example लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है example में, क्वेश्चन में क्या है उस एग्जांपल के लिए। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 1500 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, रुपीज 7 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज 4 पर शेयर इंक्लूडिंग वन एज प्रीमियम। ओके, कंपनी कह रही है कि वाई लिमिटेड फॉरफिट करिए कितने शेयर को, 1500 शेयर को, जिसमें जो कितने रुपीस का था, 10 रुपीस का था, और 7 रुपीस कंपनी ने मांगा था। 10 रुपीस में यानी 10 रुपए में कंपनी कितना कॉल की थी, 7 रुपए यानी 7 रुपीस कॉल किया है। नॉन पेमेंट किसने हो रहा है, अलॉटमेंट में जो कितने रुपीस की थी, 4 रुपीस का था इंक्लूडिंग 1 रुपीस प्रीमियम के साथ। अब कंपनी क्या कह रही है, और दिस 1000 शेयर वेयर रीइश्यू टू एम एट रुपीज 6 पर शेयर एज रुपीज 7 कॉल्ड अप, और कंपनी उस शेयर में से यानी 1500 शेयर में से जो प्रॉफिट किया हुआ था उसमें से कंपनी कितने शेयर को रीइश्यू कर रही है, 1000 शेयर को रीइश्यू कर रही है, और किसको कर रही है, एक शेयर होल्डर एम है उसको, और कितने रुपीस में कर रही है, 6 रुपीस में, और 7 रुपीस कॉल्ड अप कर रही है। अब हम लोग को देखते हैं कि कंपनी जनरल एंटिटी क्या करती है, पास ने से जनरल एंटिटी इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है। तो वाई लिमिटेड ने जब प्रॉफिट किया था तो जनरल एंटिटी क्या होगा, इसमें प्रीमियम भी है, तो अब इसकी जो फर्स्ट एंटिटी क्या आएगी, वो क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स, टू फॉरफिटेड शेयर और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब देखिए कंपनी कितने शेयर को फॉरफिट कर रही थी, 1500 शेयर को, कंपनी ने मांगा कितने रुपए तक था, 7 रुपए तक, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1500 × 7 कितना हो गया, 1500 × 7 मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा, 10,500। प्रीमियम कितने का बता रही है, 1 रुपीस का, तो 1500 × 1 प्रीमियम हो गया 1500। उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने क्या अमाउंट पेमेंट नहीं किया था, अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया था, कितने रुपीस से नहीं था, 4 रुपीस से था, इंक्लूडिंग प्रीमियम था, तो 1500 × 4 कितना हो गया यहां पे, 6000, ठीक है। उसने पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट कितना किया, तो रिमेनिंग अमाउंट पेड किया था, अगर इसको देखते हैं तो 1500 यहां पे 12,000 है, यहां पे पेमेंट नहीं हुआ 6000, रिमेनिंग पेमेंट कितना क्या होगा, 6000। अगर दूसरे हिसाब से देखा जाए कि कंपनी ने मांगी थी 8 रुपीज तक इंक्लूडिंग प्रीमियम और उसने 4 रुपए तक पेमेंट नहीं किया, तो पेमेंट कितना किया है, ओनली केवल 4 रुपीज तक, यहां पे प्रॉफिट भी कितना आएगा, 1500 × 4 6000। तो नाइसन क्या हो गई, बीइंग अब कंपनी क्या करिए, फॉरफिट करिए, बीइंग द 1500 शेयर्स फॉरफिटेड हो गई। अगर फॉरफिट करिए तो कंपनी इसी शेयर को क्या कर रही है, रीइश्यू कर रही है, रीइश्यू कितने में कर रही है, 1000 शेयर को कर रही है, कितने रुपीस में कर रही है, वो 6 रुपीस में, और कॉल्ड अप अमाउंट कितना होता है, 7 रुपीस। तो ये तो पहली एंट्री थी। सेकेंड क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए बैंक में कितने से आएगा, 1000 × 6 किया तो 6000। कॉल अप कैपिटल, कॉल अप अमाउंट कितना बता रहा है, 7 रुपीज से, तो 1000
इंटू सेवन, कैपिटल में आ गया 7000, तो कंपनी को लॉस कितने की हो रही है, 1 रुपीज की, जिसको हम लोग एडजस्ट किससे कर रही है कंपनी, फॉर पीरियड से, तो 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, ठीक। अब देखिए कंपनी को मिला था यहां पे कितने रुपए तक, 4 रुपीज तक का प्रॉफिट हुआ था कंपनी, उसमें से जो लॉस हो रही थी 1 रुपए से, उसे किससे एडजस्ट किया, फॉरफिटेड शेयर से, तो वहां पे कितने से, 1000 इंटू 1, तो नाइजन क्या हो गया, बीइंग 100, बीइंग 1000 शेयर, बीइंग 1000 फॉरफिटेड शेयर, कौन सा शेयर, फॉरफिटेड शेयर, 1000 फॉरफिटेड शेयर रेशू, कंपनी ने 1000 से जो प्रॉफिट की हुई थी उसको क्या कर रही है, कंपनी रेइशू किया। अब कंपनी को जब रेइशू करने के बाद कंपनी के पास जो भी कैपिटल प्रॉफिट बची होगी उसको कहां ट्रांसफर करेगी, कैपिटल रिजर्व में, तो नेक्स्ट एंट्री क्या जाएगा, फॉरफिटेड फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। जो भी कंपनी को जो कैपिटल प्रॉफिट हो रही है वो कहां ट्रांसफर करेगी, कैपिटल रिजर्व में। अगर कैपिटल रिजर्व में जब ट्रांसफर कर रही है तब कंडीशन क्या होगा, कितने रुपीज से होगा। अब देखिए कंपनी को यहां पे कैपिटल प्रॉफिट कितनी थी, एक शेयर पे 4 रुपीज तक हुआ था एक शेयर पे, और कंपनी ने लॉस कितना हुआ यहां पे, 1 रुपीज, यानी कंपनी को नेट एक शेयर पे जो बेनिफिट हो रही है वो कितने रुपीज का हो रहा है, 3 रुपीज का, 4 रुपीज मिला हुआ था, ठीक है, जिसमें से कंपनी ने 1 रुपीज यूज कर चुकी है, तो रिमेनिंग बचा कितना कंपनी के पास, 3 रुपीज बचा है, तो यहां पे कितने शेयर से आएगा, 1000 इंटू 3000, ओके। अब यहां पे देखिए तो नेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गेन ऑन, गेन ऑन किस पे गेन हो रही है कंपनी, किस पे कंपनी को गेन हो रही है, रीइशू शेयर पे, बीइंग गेन ऑन रीइशू शेयर्स अमाउंट ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ओके। इस टाइप से कंपनी तो यहाँ पे ये इंटिया हुई। फिर से देख ले क्वेश्चन में क्या था, कंपनी कह रही थी कि 1500 शेयर का प्रॉफिट किया हुआ जो 7 रुपीज कॉल्ड अप थी कंपनी की, और कंपनी ने उसमें से 1 शेयर होल्डर जिसके पास था 1500 शेयर, उसने क्या पेमेंट नहीं किया था, अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया था 4 रुपीज से, जिसमें इंक्लूडिंग क्या थी वहां पे, प्रीमियम था 1 रुपीज का, और कंपनी ने प्रॉफिट कर लिया, और उसमें से कंपनी ने 1000 शेयर को रीइशू किया 6 रुपीज में, कॉल अप अमाउंट कितना बता रही है कि कंपनी मांगा कितना था 7 रुपीज से, तो उन्होंने एंट्री क्या किया, क्योंकि प्रीमियम इंक्लूडेड है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू फॉरफिटेड शेयर और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना से लिखा, 1500 इंटू 7 जो कॉल अप अमाउंट थी 10500, प्रीमियम कितने का था जो अनपेड था, तो 1500 इंटू 1 1500, और उसने पेमेंट कितना की नहीं किया था 1500 इंटू 4 के हिसाब से पेमेंट नहीं किया, तो अलॉटमेंट कितना नहीं पेमेंट किया 4 रुपीज से 6000। अब देखो कंपनी ने दोनों मिला के मिला था कि कॉल कितना की थी 8 रुपीज, लेकिन उसने पेमेंट कितना नहीं किया था 4 रुपीज, तो कितना पेमेंट किया 4 रुपीज, तो कहां पे आ गए वो फॉरफिटेड में लिखा, बीइंग द 1500 शेयर फॉरफिटेड। अब कंपनी उसमें से 1000 शेयर को रीइशू कर दिया 7 रुपीज की शेयर को कॉल्ड अप है, और 6 रुपीज में कर दिए, तो 6 रुपीज में कर दिए, तो कंपनी को मिला कितना बैंक के थ्रू 6 रुपीज से, तो 1000 इंटू 6 किया तो कितना आ गया बैंक में 6000, कैपिटल में 1000 इंटू 7 किया तो कितना आ गया 7000, और फॉरफिटेड में कितना आ गया 1000 इंटू 1 किया तो फॉरफिटेड में आ गया कितना 1000। अब कंपनी रीइशू तो कर चुकी है, अब जो कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि कंपनी मैक्सिमम वहां तक डिस्काउंट दे सकती है जितने में कंपनी को बेनिफिट हुआ था, तो कंपनी को हम देखते हैं कि यहाँ 4 रुपीज पर शेयर मिला है, और कंपनी को लॉस कितना हो रहा है पर शेयर पे 1 रुपीज के हिसाब से, ठीक है, तो रिमेनिंग ये कितने रुपीज का हो गया, 4 में से 1 गया तो कितना बचा, एक शेयर पे कंपनी को जो कैपिटल प्रॉफिट हो रही है कितने का हो गया 3 रुपीज का हो गया। अब जो 3 रुपीज का हो रहा तो कंपनी रीइशू कितना किया था 1000, तो 1000 इंटू 3 के हिसाब से कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर कितना हो गया 1000 इंटू 3 3000, ओके। अगर आपको ये चीज अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कर सकते हैं, ओके, थैंक यू।